उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बयान दिया। टिकैत ने कहा कि हिंदू मुसलमान और जन्ना सिर्फ 2.5 महीने के सरकारी मेहमान हैं। इसके अलावा इस बार 26 जनवरी को क्या है टिकैत का ट्रैक्टर वाला प्लान। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने टिकैत से कई मुद्दों पर सीधी बात की। किसान आंदोलन जब खत्म हुआ था तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि आखिरकार क्या होगा असर किसान आंदोलन का। राकेश टिकैत हैं, आप उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, अभी लखीमपुर खीरी से होकर के आए हैं, अभी ग्रेटर नोएडा में हैं, फिर मुजफ्फरनगर जाएंगे, क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? हम तो अपनी बात कर रहे हैं। राजस्थान गए थे, वहां का नहीं आपने बताया। पूरे देश के हालात क्या होने वाले किसान के, इनकी सरकारों की नजरें इनकी जमीन पे है। वो बैंक के माध्यम से हो, वो कर्जे के उससे हो, फसल को नुकसान करके किसान अपने घर का खर्चा चलाएगा उसके उससे हो, कि जमीन जानी चाहिए इनकी। हम तो यही बचा रहे कि जमीन अगर बचानी है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा, सरकारों के ज्यादा चक्कर में नहीं आना। ये सब बातें इनसे होती रहती है। लेकिन जो बात किसानों की हो रही थी किसान आंदोलन के समय, अभी बहुत सारी पार्टियां बात नहीं कर रही हैं, बच रही हैं किसानों के मुद्दे से, किसान आंदोलन के मुद्दों से। मुद्दे तो कहीं कुछ और ही चल रहे हैं, 80%, 20% और बाकी तमाम चीजें। तो उसमें आपको लगता है कि फिर से चीजें डाइवर्ट ज्यादा रहेंगी चुनाव के दौरान? देखो, चुनाव में क्या है कि वोट कैसे मिलेगी, सारी पार्टी उस पर गुना भाग कर लगी रहती है कि वोट हमको मिलेगी कैसे, मिलनी चाहिए वोट उनको। ना किसान से कोई मतलब है उनको, ना किसी गांव से है उसको, ना दुकानदार से है, ना बेरोजगारी फैल रही उससे है। यहाँ तो अब एक चलना, एक पार्टियां तो लग रही कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना उस पर लगी हुई है, और उनका 2.5 महीने का पूरा प्रोजेक्ट ये है, सरकारी मेहमान बना के हिंदू मुस्लिम और जिन्ना को उत्तर प्रदेश में ले आए, यही ठहरा रखे, उनसे प्रवचन करवाते हैं रोज। हमने जनता को कहा कि उनके प्रवचन जो वो देंगे उसके चक्कर में नहीं आना, तो जनता उनके चक्कर में नहीं आ रही। लेकिन उनका पूरा ये है कि नहीं, ये प्रवचन सुनो, इसी से फायदा होगा, इसी से आराम होगा। जनता प्रवचन वो सुनना नहीं चाहती, तो ये मामला चल रहा जी। तो प्रवचन तो साधु संत महात्मा देते हैं, ये चुनाव में आपका चुनावी प्रवचन है? ये 2.5 महीने चलेगा क्योंकि सरकारी पैरोल पे है वे 2.5 महीने के लिए। वे 15 मार्च को यहाँ से जाएंगे वापसी, 15 मार्च तक उनका यही पूरा चलेगा, उसी से ही वोट चाहिए उनको, मतलब हिंदू मुस्लिम और जिन्ना, इसको दिखा के वोट चाहिए, इसी से वोट मिल जाए। लेकिन यहाँ की जनता भुक्त होगी है पूर्ण रूप से, वो इन चक्रव्यूह में आएगी नहीं, वो आएगी विकास पे, वो आएगी सड़कों पे, वो आएगी एजुकेशन पे। और ये जनता यहाँ की समझगी कि देश में क्या होने जा रहा है, देश को मजदूर कॉलोनी बनाने का जो बड़ा षड्यंत्र है, पढ़े लिखे बच्चों को बेरोजगार और अनपढ़ बनाने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, वो देश की जनता समझेगी। 1 फरवरी से आप मिशन उत्तर प्रदेश भी शुरू करने वाले हो, आपने घोषणा की है, क्या हो, क्या है ये मिशन उत्तर प्रदेश? हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा ये है कि 26 तारीख को गांव में ही लोग अपने ट्रैक्टर, क्योंकि एक नेशनल पर्व है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस है, उसको लोग मना रहे हैं अपने गांव में ही। बहुत आदमी बच्चे कह रहे हैं कि हम तो ट्रैक्टर गांव में चलाएंगे तिरंगा झंडा लगा के, तो उनको चलाना नहीं चाहिए तिरंगा झंडा लगा के, अपना वे गांव में ही चलाए, अब की बार दिल्ली नहीं आना। ये है दूसरा, 31 तारीख को डीसी मुख्यालय पे, डीएम मुख्यालय पे या तहसील में, क्योंकि कुछ जगह उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में चुनाव है तो पर्चे भी भरे जा सकते हैं, तो जहां पे नामांकन होगा वहां छोड़ के अपना एक प्रदर्शन वहां पर होगा, ज्ञापन देंगे। सरकार ने बात नहीं माननी, भारत सरकार ने, उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हमारा है। और पहली तारीख से
जो मिशन यूपी की बात करी थी, मिशन यूपी तो चल ही रहा। हमने कहा कि अपनी फसल आधे रेट में बेच के वोट वो जहां देगा वो दे लो भाई। 1800-2000 रुपए का गेहूं वो 1400 रुपए में बेचकर उसको वोट कहां देनी है उसको पता है, क्योंकि 13 महीने की ट्रेनिंग में उसको सब पता है कि उसको करना क्या है, उसको सब जानकारी है। तो यही मिशन यूपी है।